अनिल जी, इन्वेस्टर्स के मन में जो काफी सवाल उठ रहे हैं इस बाजार में, जब बाजार शिखर पर है तो क्या करना है? पैसा लगाना है, इंतजार करें, प्रॉफिट बुक करें, क्या स्ट्रेटजी? अरे मैं इन्हीं से सवाल पूछ लेता हूँ फिर। मतलब खाना खाने के 5 तरीके हैं, उनमें से आपको जवाब देना है। आपने खाना नहीं खाया, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कितने लोग हैं जिन्होंने खाया ही नहीं? अच्छा चलो, ऐसे कोई भी नहीं, बढ़िया, तभी तो आए हैं। कितनों ने कम खाया है? कम खाने वाले थोड़े हैं। कितने लोग ऐसे जिन्होंने बराबर खाया है? ओके। कितने लोगों ने ज्यादा खाया है? और ठूस ठूस कर खाने वाले कितने? तो अभी भी बहुत सारे लोग बचे हैं जिन्होंने पेट भर के खाया नहीं है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है और लाइफ हाई पर एक सिंपल फॉर्मूला जो मैं हमेशा बताता हूँ, वो ये कि आपको नीचे की रिस्क अपनी पता होनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि इससे नीचे जाएगा तो मुझे अलर्ट होना है। तब तक पहली चीज़ तो ये कि आपको बने रहना है, जो पैसा आपने लगा रखा है उससे छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। ये सोचे भी नहीं कि मुझे बुक करके निकलना है। मैं मार्च के एंड से लगातार आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब 16828 का लो बनाया था, जब मैं श्रीनगर छुट्टियों पे गया था कश्मीर, मैं बार बार ये बोलता था कि इस बार बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाओ, बड़ी पोजीशन बनाओ और 3 महीने अपने मिड कैप स्मॉल कैप में दबा कर पैसा बनाना है और जल्दी से बेचना मत। अगर आपने साल डेढ़ साल पहले ले लिए, भाव नीचे चले गए 30% 35%, वापस भाव आ जाए तो जनरली ये होता ना, अरे जान छुट्टी, मेरा भाव आया, निकलू मैं, तो ये सब मत करना। इस बार आपको मतलब वो कुंडली मार के बैठ जाना है, आपका खजाना है, आप ही को रक्षा करनी है। सो वैसा है, सो पहली चीज़ तो ये कि अभी भी बेचने की जल्दबाजी ना करें, अनलेस कि कोई स्टॉक की बहुत 80-100 के मल्टीपल पर हो गया और बहुत ही कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत महंगा हो गया, वो तो एक अलग बात है। बाकी पहली चीज़ है कि जो आपने लिया हो उसको बेचने की जल्दी मत करिए। दूसरी चीज़ है कि जो स्टॉक आपके पास पड़े हैं वापस बढ़कर आए, सिर्फ इसलिए बढ़ें कि मार्केट अच्छा है, क्वालिटी वाइज आपको भी पता है कि बहुत अच्छा नहीं है, कंपनियां बहुत बढ़िया नहीं कर रही है या प्रमोटर थोड़े डिले डाले हैं, तो वहां से एग्जिट कर लीजिए। अदरवाइज जहां प्रमोटर्स को लेकर, जहां नंबर्स अच्छे हैं, कमाई अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी आ रही है, वहां हाथ नहीं लगाना, वहां अभी भी बने रहिए। तीसरी चीज ये कि अब जो लोग मिस कर गए रैली को, नहीं लगा पाए, तो अब भी आपके लिए पैसा लगाने का मौका है, अब भी मौका है, अभी भी मतलब देर हुई है, दरवाजे बंद नहीं हुए, ठीक है। सो आप नेचुरली अब आपने इंटरवल तक की पिक्चर छोड़ दी, तो बाकी आधी देखो, ठीक है ना। लेट पहुंचे तो जितनी पहुंचे उतनी देखने को मिलेगी। मेरा ये मानना है अभी भी काफ़ी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, काफ़ी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको रीजनेबल मिल रहे हैं, जैसे कि अभी अभी आपके फार्मा में ब्रेकआउट आया, फार्मा आप चलना शुरू कर रहे हैं, कोई कोई ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां स्टोरी बनेगी, कोई अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जहां पैसा लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है पहली चीज़ बहुत क्लियर है, एग्जिट करने का अभी वक्त नहीं है। दूसरा, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे अगर आप अब भी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।